है क्या होता है इंटरव्यू में तो आई पावर है अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो भी इसलिए नहीं जाते हैं, क्योंकि थोड़े से सावले होते हैं. करना है, जरूर और उस ट्रेनिंग का आप से चार्ज भी लिया जाएगा। अगर आप स्कूल में हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करोगे ग्रूमिंग टू माई चैनल आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के कारण बना रही हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप कैसे कैबिन क्रू बन सकते हो स्पेशली जो लोग अभी टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में हैं और जिन लोगों का ड्रीम है एयर होस्टेस बनने का तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ में आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो ताकि उनको भी पता लग जाए कि क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या आगे करना है सो विदेस्टिंग फॉर द टाइम लेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस सबसे पहली चीज है कि आप एयरलाइंस रिसर्च करना चालू कर दो कि आपको कौन सी एयरलाइन में जाना है आपको कोई डोमेस्टिक एयरलाइन चूज करनी है या फिर आपको इंटरनेशनल एयरलाइन चूज़ करनी है नाउ व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक एयरलाइन तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाई नहीं करती हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता है जिस एयरलाइन में मैं अभी काम कर रही हूँ वो भी डोमेस्टिक एयरलाइन है बट हम लोग इंटरनेशनल भी फ्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सी एयरलाइन ज्वाइन करनी है उसके बारे में आपको उस पूरे उसके बारे में आपको उस एयरलाइन के बारे में रीड करना है क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है उस एयरलाइन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाए गाइज अगर आपने एयरलाइन चूज़ कर ली है तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कोई भी एयरलाइन ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो आप उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो सो so, सबसे पहली चीज है गाइज कि यू शुड बी एटलीस्ट एटीन ईयर्स ऑफ एज यानी कि आपको अठारह साल या अठारह साल से बड़ा होना पड़ेगा कोई भी एयरलाइन ज्वाइन करने के लिए और जो आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है यानी कि आप 27 सेवन ईयर्स तक मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते हो तो जो एज क्राइटेरिया होता है कोई भी एयरलाइन ज्वाइन करने का वो होता है 18 टू 27 के बीच में आप एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हो अब अगर आप इस एज लिमिट में आ रहे हो तो अब हम बात कर लेते हैं हाइट के बारे में तो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर फीमेल होती है 155 सेंटीमीटर्स और मिनिमम हाइट फॉर मेल होती है 172 सेवेंटी टू सेंटीमीटर्स अब अगर आपकी इतनी हाइट है तो आपका वेट कितना होना चाहिए तो उसके लिए एक टर्म होता है बी एम आई बॉडी मास इंडेक्स अब जो बी एम आई है आपका वो आना चाहिए एटीन टू ट्वेंटी टू के बीच में यानी कि आपका जो वेट है वो आपके हाइट के प्रपोर्शन में होना चाहिए अब आप बी एम आई कैसे कैलकुलेट करोगे कैसे पता करोगे कि वो एटीन टू ट्वेंटी टू के बीच में आ रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ ये वीडियो देखने के बाद अपना बीएमआई ज़रूर से कैलकुलेट कर लेना अगर आपका बीएमआई 22 से ज़्यादा आ रहा है यानी कि आप ओवरवेट हो तो आपको अपना वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है जो कि एक महीने में इजिली हो जाएगा थोड़ा डाइट थोड़ी एक्सरसाइज के साथ में और अगर आपका बी एम के नीचे आ रहा है तो बहुत सी बार अंडर लोगों को हायर कर लिया जाता है बट फॉर सेफ साइड आप अपनी डाइट इंक्रीज कर लेना और अपना वेट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर लेना। क्वालिफिकेशन तो, तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से ट्वेल्थ पास होना है यानी कि आपके पास होना चाहिए ट्वेल्थ क्लास का मार्कशीट और उसके साथ में टेंथ क्लास का मार्कशीट क्योंकि ये जो दो मार्कशीट्स है वो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएंगे कि आप सबमिट करो तो जिन लोगों का अभी ट्वेल्थ पास नहीं हुआ है जिन लोगों का अभी मार्कशीट नहीं आया है वो लोग इंटरव्यू देने के लिए मत जाना आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या होता है इंटरव्यू में तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है आप वहाँ से जान सकते हो कैबिन क्रू के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस देख सकते हो कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया वो सिलेक्ट हुए या नहीं हुए क्या कारण था उनका रिजेक्शन का ठीक है एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड बी फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ यस इंग्लिश इज मैंडेटरी अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आपको पहले इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल फ्लाइट में इंग्लिश में ही बात करते हैं तो आपको पैसेंजर्स से कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करनी पड़ेगी आपको क्रू से इंग्लिश में करनी पड़ेगी एंड इनफैक्ट आपका जो इंटरव्यू है वो भी इंग्लिश में होने वाला है तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है इंग्लिश कैसे सीखोगे वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर रही हूँ वहां से जाकर जरूर देख लेना अगर आपकी इंग्लिश वीक है इसके अलावा गाइज यू शुड नॉट हैव एनी विजिबल ऑन योर बॉडी यानी कि आपके विजिबल बॉडी पार्ट पे यूनिफॉर्म पहनने के बाद टैटूज नहीं होना चाहिए अगर टैटू है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे और अगर आप टैटू को बहुत अच्छे से कंसील कर सकते हो कि वो बिल्कुल नजर ही ना आए तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू देने जा सकते हो अदर देन दिस गाइज अगर आपकी आई पावर है अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी आई पावर है वो लोग इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हैं मैं भी चश्मे शू मैं भी चश्मा पहने पहनती हूँ बस आपको ये है कि आ, इंडियन एयरलाइंस पैक्स अलाउ नहीं करती हैं तो आपको लेंस पहनकर जाना पड़ेगा आपके इंटरव्यू में भी तो जो आपका सेकेंड या थर्ड राउंड होता है जिसमें बीएमआई देखा जाता है आपकी आई साइट चेक की जाती है उसमें आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मुझे आई पावर है और मैंने लेंस पहने हुए हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है अगर आप चश्मा पहनते हो उसके अलावा बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनका डार्क स्किन टोन होता है या फिर वो थोड़े से सांवले होते हैं तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है रूमिंग पे वॉक करो बट अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिम्पल्स हैं तो आपका होगा मेडिकल राउंड उस मेडिकल इतना मिथ की एयर होस्टेस गोरे होते हैं बहुत सारे सांवले डार्क स्किन वाले लोग भी एयर होस्टेस हैं इट इज़ जस्ट दैट कि आपको पू जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बताया है उसके अंडर आना मैंडेटरी है अगर आप वो सारी चीज़ों में एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप क्रू बन सकते हो ठीक है इट इज़ जस्ट दैट कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए यानी कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिम्पल्स बहुत ज़्यादा स्काज नहीं होने चाहिए

और उस ट्रेनिंग का आपसे चार्ज भी लिया जाएगा तो अभी से अपने पैसे मत वेस्ट करो आप खुद से प्रिपेयर करो कैबिन क्रू के क्वेश्चन एंड आंसर खुद से एक दो बार इंटरव्यू देके आओ आपको ख़ुद को समझ आ जाएगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हो और फिर उस चीज़ पे इंप्रूव करके दोबारा इंटरव्यू देने जाओ ठीक है वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ में हर मंथ पोस्ट करती हूँ तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो आपकी नियरेस्ट सिटी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो अदर देन दिस गाइज आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो होने ही चाहिए जो कि है टेंथ का मार्कशीट ट्वेल्थ का मार्कशीट, आधार कार्ड पैन कार्ड एंड पासपोर्ट इन पांचों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले डॉक्यूमेंट बनवाओ और उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ अब आप में से बहुत सारे लोगों के पास चार डॉक्यूमेंट्स तो होंगे बट एक जो डॉक्यूमेंट है जो कि है पासपोर्ट वो नहीं होगा और आप बहुत लोग पूछते हो कि पासपोर्ट नहीं है तो क्या मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ तो गाइज आप इंटरव्यू देने के लिए तो जा सकते हो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है बट आपको पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा उसका जो एप्लीकेशन नंबर या जो रिसिप्ट होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है ठीक है तो आप वो सबमिट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है बट अगर आप मेरा सजेशन लो तो आप इंटरव्यू देने के लिए मत जाना जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट ना आ जाए क्योंकि बहुत सी बार पासपोर्ट नहीं आता है तो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं तो इट इज बेटर कि आप एक महीना वेट कर लो पहले पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाना ओके okay. इसके अलावा गाइज अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो आप में होना चाहिए ढेर सारा कॉन्फिडेंस अब अगर आप स्कूल में हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करोगे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एक्टिविटीज़ में या फिर फंक्शंस में आप इनिशिएटिव ले सकते हो डिबेट कंपटीशन वगैरह हो गया या फिर कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो गई उसमें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों से इंटरेक्ट करना चालू कर दो स्पेशली इंग्लिश में ताकि आपको कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होता जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है बिल्डअप होता जाए उसके अलावा गाइज आपको वर्क करना पड़ेगा अपनी स्किन पे और ग्रूमिंग पे अगर आपकी स्किन ऑलरेडी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है आप सिर्फ ग्रूमिंग पे वर्क करो बट अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो आप जाके किसी भी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और उसके बाद में जब आपका स्किन क्लियर हो जाता है तो फाइनली धीरे धीरे करके मेकअप करना स्टार्ट करो क्योंकि मेकअप पे हाथ बैठने में भी टाइम लगता है मेकअप हेयर स्टाइल सीखो यूट्यूब से देखकर और फाइनली जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो अच्छा आ जाओगे क्योंकि कॉन्फिडेंस भी है ग्रूमिंग भी है अच्छे से बोलना भी आ रहा है प्रिपेयर भी कर चुके हो ना सबसे पहली चीज है कि आप इंटरव्यू देने के लिए जैसे जाओगे तो मैं वेकेंसी पोस्ट करती हूँ हर महीने अपने चैनल पे आप वहां से वेकेंसी देख सकते हो

नाउ अगर आप अपने इंटरव्यू में जाते हो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपका होगा मेडिकल राउंड उस मेडिकल राउंड में होते हैं बहुत सारे टेस्ट अगर आप वो मेडिकल राउंड भी क्लियर कर लेते हो तो फाइनली आप जाते हो कैमन क्रूकिट ट्रेनिंग में जो कि होती है थ्री मंथ्स की ट्रेनिंग उसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं क्या एग्ज़ाम होते हैं क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कैसा जाता है वो इंडिगो की ट्रेनिंग का थ्री मंथ्स अगर आपको वो देखना है तो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको जरूर जरूर देखना चाहिए अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाह रहे हो तो वो जरूर देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर रही हूँ लुक फॉर योर इंटरव्यूज आई होप टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म वेरी सुन आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर टेक केयर एंड स्टे सेफ